रिएक्शन। तो डिल क्रॉफ्ट रिएक्शन में अपन ने एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों ही पढ़ लिया था। डिल क्रॉफ्ट रिएक्शन अपन को लिमिटेशंस पढ़ने थे। लिमिटेशंस ऑफ फ्रेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, एक तो लिमिटेशन होता है भाई, इफ देयर इज मैटर ड्रिंकिंग रूल। थोड़ा आइडिया सबको पता है व्हाट इज मैटर ड्रिंकिंग रूल। सो इफ मैटर ड्रिंकिंग रूल इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, ऑन बेंजीन रिंग, देन फ्रेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन डजंट टेक प्लेस, डजंट टेक प्लेस। तो फ्रेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन नहीं होता। तो मैटर ड्रिंकिंग ग्रुप मतलब एग्जांपल द ग्रुप्स लाइक दिस, एनओ टू है, COH है, CHO है। अपन ने मैटर ड्रिंकिंग ग्रुप मतलब इस टाइप से ग्रुप अगर है तो उनको अपन मैटर ड्रिंकिंग बोलते हैं। ऑल्सो इफ दीज ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन ऑल्सो फ्रेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन डजंट टेक प्लेस। दीज आर एक्टिवेटिंग ग्रुप, दे आर ऑर्थो पैरा ड्रिंकिंग, लेकिन इनमें भी नहीं होता है, इनमें भी फ्रेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। देन ऑल्सो फ्रेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन डजंट टेक प्लेस। तब भी नहीं होगा फ्रेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। दूसरा है एल्काइलेशन रिएक्शन का लिमिटेशन। So, by Friedel-Crafts alkylation, we cannot prepare by Friedel-Crafts alkylation, we cannot prepare Friedel-Crafts alkylation, we cannot prepare a normal alkyl chain on benzene ring. On benzene ring, because of the rearrangement of carbocation, तो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट जरूर है। वी कैन नॉट यूज द लो रिएक्टिव, एल्काइल हैलाइड एंड दैट इज एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड इज एरोमेटिक हैलाइड्स and vinyl halides. And vinyl halides. In alkylation reaction. Because there is a partial double bond. There is partial double bond between, there is a partial double bond between the carbon and halogens, so wo bond break hota nahi hai. Agar apan aisa likhe to इसको अगर AlCl3 से रिएक्ट करेंगे इस पर अटैक तो करेगा, लेकिन ये पार्शियल डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। सो अपन को ऐसे तो मिलेगा
AlCl4, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बट दिस बॉन्ड डजंट ब्रेक, इसके आगे रिएक्शन नहीं होता है। दीज आर द थ्री लिमिटेशंस ऑफ फ्रेंडक्राफ्ट। अब अपन पढ़ सकते हैं कि इफ देयर इज ऑलरेडी अ ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, देन हाउ ही कैन शो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे बताएंगे? तो लेट अस चेक, नेक्स्ट पेज पे चलता है और चेक कर लेता है, दैट इज इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेंजीन। Effect of substituent on benzene in electrophilic aromatic substitution reactions. Agar we already, if already there is a group present on the benzene ring, to apan kya kehte hain ki bhai rate of reaction agar likhna hai, तो अगर कोई बेंजीन रिंग पे एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो उसका रेट ज्यादा होगा बेंजीन के कंपैरिजन में, उसका रेट ज्यादा होगा हैलोजन्स के प्रेजेंस में, उसका रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अगर डी एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो डी एक्टिवेटिंग ग्रुप विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग, so the benzene becomes electron deficient. Activating group releases the electron to the benzene ring, so this is electron rich, this is electron deficient. This is electron rich, this is electron deficient. So if it is electron rich, the rate of reactions are activating group activates all the position of the benzene but it activates ortho and para position more, para position more than meta position, than meta position. So it is called ortho and para directing group. Agar koi activating group hai na, to all groups which have एटम अटैच टू द बेंजीन रिंग, अगर उसके पास लोन पेयर है तो इट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो लोन पेयर का अगर अपन डिलोकलाइजेशन करेंगे तो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर डिलोकलाइजेशन होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसके डिलोकलाइजेशन से जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में विल राइट दैट रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये डेल्टा नेगेटिव होगा। डेल्टा पॉजिटिव होगा, वो डेल्टा नेगेटिव होगा। सो पैरा पोजिशन मोर देन मेटा पोजिशन होगा। है ना, मोर देन मेटा पोजिशन होगा। सो द एक्टिवेटिंग ग्रुप is called ortho and para directing. Ortho and para directing. So it is called ortho and para directing. So
Similarly, the deactivating group. A deactivating group. Group. That is the electron withdrawing group. So a deactivating group withdraws electrons from all the position of the benzene. Position of the benzene ring. But it withdraws more from. It withdraws more from. Withdraws electron more from. More from. Ortho and para positions. Para positions. Then from meta position. Meta position. Then from the meta position. So it is called. It is called. Meta. So, अगर अपन इसमें चेक करेंगे मेरे पास एक विड्रॉइंग ग्रुप ले लेता हूं मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सो विल राइट दैट NO2 ले लेता हूं तो इट विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा means the ortho and para position is more electron deficient than the meta position so it will direct the electrophile to attack at meta position so it will direct the electrophile to attack on meta position abhi let us check that which is ortho para directing group and meta directing group as well as with respect to their withdrawing character मतलब किसका रिट्रॉइंग कैरेक्टर ज्यादा होगा और किसका कम होगा तो एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं और उस टेबल में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर लिखते हैं तो विल राइट दैट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और लिखते हैं what is electron withdrawing and electron releasing so chota sa table ek minute pichle ka sir ek minute piche ka bhej ha ha ek bar bhi bolega to bhi chalega ha sir ho gaya so we'll write that ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लिखते हैं पर ये छोटा टेबल बना लेते हैं उस टेबल में अपन लिख लेते हैं ऑर्थो पैरा और मेटा सो विल राइट हियर अपन ऐसे लिख देते हैं इसमें ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है डायरेक्टिंग ग्रुप और यहां मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप सो वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप deactivating group strong activating group deactivating group strong deactivating group and very strong deactivating group so we can write like this so open strong activating group very strong activating group strong activating group
एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, वेरी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. तो इन दिस केस वी कैन राइट द वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप में अपन लिखते हैं जो मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे. तो सबसे ज्यादा अपन स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप अज्यूम करते हैं ओ नेगेटिव, फिर NH2, फिर NHR, फिर उसके बाद अपन लिखते हैं दैट इज NR2, देन वी राइट OH. स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप में OR लिखते हैं, देन वी राइट दैट NHC डबल बॉन्ड OR, दैट इज अमाइड ग्रुप, और फिर अपन एस्टर ग्रुप को लिखते हैं. इसमें अपन एल्काइल ग्रुप्स लिखते हैं CH3, CH2, CH3, देन CH, CH3 एंड CH3, फिर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, फिर PH, फिर CH2, डबल बॉन्ड CH2, ऐसे. फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में अपन लिखते हैं FClBRI, फिर अपन N डबल बॉन्ड लिख लो, दिस इज आईडी, फिर CH2Cl लिख लो, और फिर आप CHX2 लिख लो. इधर अपन लिख सकते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में इट इज CHO, COR, that is ketones, then we can write carboxylic acids, we can write COR, then we can write COCl, we can write CN, we can write SO3H. Or a very strong deactivating group hota hai NO2, then we can write that NR3. Positive, NO2, NR3 positive, they are very strong deactivating group. Fir SR2 positive, or fir apan CF3 likh sakte hain. This is the strongest deactivating. Ye sara ka sara apan decreasing order mein. मतलब दिस इज बेटर एक्टिवेटिंग ग्रुप देन दिस. वो सारा का सारा अपन ने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में लिखा हुआ है, यहां से लिख के ये सारा का सारा अपन ने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में लिखा हुआ है. तो इसमें अगर अपन से पूछेंगे भाई हमारे पास ऐसे गिवन है, एक एग्जांपल पूछा, कैलकुलेट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं अपने पास ऑप्शन, मतलब ऐसे अपन ने ऑप्शन बना लेते हैं भाई, अपने पास गिवन है OH, अपने पास गिवन है दैट इज OCH3, अपने पास गिवन है CL, और डी अपने पास गिवन है सपोज ना ऐसे भी आए. तो आप इसको देख के बता सकते हो कि OH तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है OR से. तो अपन लिख सकते हैं आंसर में कि एक्टिवेटिंग कैरेक्टर, ये एक्टिवेटिंग कैरेक्टर ऑफ फ्रॉम द ये टेबल, OH का ज्यादा होता है OR से, OR का ज्यादा होता है CL से, CL का ज्यादा होता है BR से, CL ऊपर था BR से, मतलब CL पहले एक्टिवेटिंग है BR के कंपैरिजन. देयरफॉर वी कैन राइट दैट आंसर भी अपना ABCD होता है, ये आंसर. तो जो भी इसमें लिखा हुआ है वो रेट के अकॉर्डिंग ही लिखा हुआ है, आप उसको सीधा याद कर सकते हो, रिबो रेट के अकॉर्डिंग ही बनता है. ठीक है, नेक्स्ट वी कैन राइट इज
तो अगर ऑर्थो पैराडेक्टिक ग्रुप है तो कभी भी अगर कोई जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं बेंजीन रिंग है उसमें कोई ऑर्थो पैराडेक्टिक ग्रुप प्रेजेंट है, अब ऑलरेडी कोई ग्रुप प्रेजेंट है और अपन क्लोरीनेशन करते हैं। देखो भाई म्यूट करके रखना जिसको अगर नहीं पूछना है कुछ तो। तो अगर Fe से रिएक्ट करेंगे तो विल गेट FeCl3, फिर Cl पॉजिटिव बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक होगा। तो दिस इज ऑर्थो पैराडेक्टिक ग्रुप, वी नो दैट इट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, और एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो इसमें ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये CH3 बनेगा, इधर Cl आएगा और इधर CH3 बनेगा और इधर Cl आएगा, वो दोनों ही बना, ऑर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा। लेकिन अगर कोई मैटर ड्रेकिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो, अगर मेरे पास कोई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट है जैसे NO2 है और अपन इसको Cl2 के साथ रिएक्ट करें और Fe के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर अपन मेटा पोजीशन पे एक ही प्रोडक्ट लिखेंगे क्योंकि वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, सो आई विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। ये आपको बताना होगा। तो अगर मान लो अपने पास ऐसे और भी कोई क्वेश्चन प्रेजेंट है, जैसे मान लेते हैं अपन एक अपने पास ऐसे गिवन है इसमें CH3 CH2 CH3 प्रेजेंट है और नाइट्रेशन करना है तो अपन कहेंगे भाई HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लो आप। तो इस केस में वी विल से दैट नाइट्रेशन, अब ये तो ऑर्थो पैराडेक्टिक ग्रुप है तो मैं दो प्रोडक्ट लिखूंगा, एक ऑर्थो प्रोडक्ट लिखूंगा और एक पैरा प्रोडक्ट लिखूंगा। तो फिर ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट एक और तो प्रोडक्ट बना देंगे। अब इधर तो सिर्फ मेटा पोजीशन पे अटैक हो रहा है तो अपन को ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। इन ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स, इन ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स जनरली पैरा प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट मतलब उसका थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा होता है, पैरा प्रोडक्ट का इसका अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है, इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है ना, इसका अमाउंट जो पैरा वाला जो होता है उसका अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है। मतलब अगर दोनों में से अपन से परसेंटेज पूछेंगे बताओ किसका परसेंटेज ज्यादा है, क्योंकि इसमें तो ऐसा कुछ बनने वाला है नहीं, तो अपन कहेंगे इसमें पैरा प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि इसमें मेटा वाला बिल्कुल भी नहीं बनेगा, इसमें ऑर्थो और पैरा वाले नेग्लिजिबल होंगे मतलब नहीं बनेंगे, लेकिन इसमें मेटा वाला बनेगा बट बहुत थोड़ा बनेगा, मतलब ऑर्थो और पैरा के अलावा भी मेटा बनता है थोड़ा सा, क्योंकि अपन ने लिखा ना एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्टिवेट्स ऑल द पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग, तो बेंजीन के कंपैरिजन में तो इसका मेटा भी ज्यादा ही एक्टिवेटेड होगा ना, क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप कैन एक्टिवेट ऑल द पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग, लेकिन ऑर्थो और पैरा को ज्यादा एक्टिवेट करता है एज कंपेयर टू मेटा, ऑर्थो और पैरा को ज्यादा एक्टिवेट करता है एज कंपेयर टू मेटा। सो पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, बट इन फ्यू केसेस ऑर्थो इज मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। अब वो फ्यू केसेस में अपन वो लिख लेते हैं, व्हाट आर द फ्यू केसेस, भाई दो चार केसेस होते हैं उसे लिख ही लेते हैं कि दीज आर द केसेस इन विच मेजर प्रोडक्ट इज ऑर्थो, बाकी सभी केसेस में आपको पैरा ही बताना। सो एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस अपन नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, आप नोट कर लो, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूं।
हो गया, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो कुछ रिएक्शंस जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं अपन, जिसमें आठ तो प्रोडक्ट अपन मेजर बताएंगे। तो एक तो होगा कि अगर अपन यहाँ पर CH3 है और इसको Cl2 से जोड़ देते हैं, तो मेजर प्रोडक्ट विल बी ऑर्थो प्रोडक्ट। पैरा भी बनेगा लेकिन मेजर ऑर्थो प्रोडक्ट होगा। दूसरा अपन लिख सकते हैं, अगर यहाँ CH3 है फिर मेथाइलेशन करें, ठीक है, तो भी ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट। इसमें ये मेजर है, इसमें भी ये मेजर है, थर्ड अगर CH3 है और इसका नाइट्रेशन करें, तो भी मेजर प्रोडक्ट आता है। ये मेजर है। और फोर्थ विल राइट दैट अगर फिनॉल है और उसका नाइट्रेशन, तो भी उस केस में ऑर्थो प्रोडक्ट होगा। दूसरा तरह रिएक्शन, इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, बाकी सभी केसेस में अपन माइनर प्रोडक्ट बताएंगे ऑर्थो वाले को। नो डाउट इसमें पैरा भी बनेगा बट वो माइनर प्रोडक्ट होगा, इसमें भी पैरा बनेगा बट वो माइनर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट विल बी पैरा और तो वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। इन ऑल ऑफ द केसेस, अदर केसेस वी गेट राइट, पैरा इज मेजर, प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। अब कुछ इफ और बट्स होंगे तो वो शीट में आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं सारा पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, मैं अगर सारा बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप इनको याद कर लो और बाकी छोड़, ठीक है ना, इनको याद कर लो और बाकी पार्ट को छोड़। ऑर्थो प्रोडक्ट के लिए एक्चुअली ऑर्थो दो पोजीशन होते हैं, अगर ये ग्रुप छोटा है तो यहाँ ऑर्थो पे दो पोजीशन पे अटैक करेंगे, जबकि पैरा एक ही पोजीशन है, तो यहाँ ज्यादा अटैक करने से यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, रहेगा तो ऑर्थो प्रोडक्ट, इसलिए ज्यादा बनता है, ये ग्रुप छोटा है और इसमें लोन पेयर है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इसको अटैक करके रखेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, इसलिए उसने इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट, और इसमें मतलब यू कैन से दैट इंट्रामॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, इसलिए उसमें हो रहा है, इसमें तो छोटा साइज है इसका, इसलिए ऐसा। इफ देयर इज मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, वन सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है, मान लो अपने पास ऐसे है, एक OH है, एक CH3 है, उनके पोजीशन भी अलग अलग हो सकते हैं, उनके पोजीशन भी अलग अलग हो सकते हैं, तो दीज बोथ आर एक्टिवेटिंग when two activating groups are present, activating group is present, then electrophilic aromatic substitution reaction is always with respect to more activating,
is always with respect to more activity. तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो ये ज्यादा एक्वेटिक है इससे, तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करना होगा। इन दोनों के केस में भी ये ज्यादा है तो इसके पैरापोजिशन पर अटैक करूंगा। बोथ आर ऑर्थो पैराड्रिंकिंग ग्रुप तो बनाऊंगा, दोनों ही प्रोडक्ट, ये भी बनाऊंगा ये भी बनाऊंगा, मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। और अगर इसमें so we'll write that here. This is how we get the major products. This is how we get the major products. If one activating and one deactivating group is present, अगर एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है और दूसरा डीएक्टिवेटिंग है तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक हमेशा एक्टिवेटिंग के रिस्पेक्ट में होगा। देन ईएस ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी। फिर अपन एक्टिवेटिंग के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अपन ऐसे करेंगे, अगर मान लो अपन को एक एक्टिवेटिंग ग्रुप गिवन है, सपोज करता है, और दूसरा अपने पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरा डीएक्टिवेटिंग, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरा डीएक्टिवेटिंग, तो फिर आप हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इसके रिस्पेक्ट में करोगे, इसको भूल जाओ क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में नहीं होगा, इसके रिस्पेक्ट में अपन को रिएक्शन करना है, इसके रिस्पेक्ट में रिएक्शन करना है। तो इसमें इसके ऑर्थो और पैरा, वैसे इसमें ऑर्थो भी प्रोडक्ट बनेगा पैरा भी प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट बता रहे हैं फिर कहां से बनेगा। इसमें इसका पैरा तो ब्लॉक है तो ऑर्थो से बनेगा, इसका ऑर्थो और पैरा दोनों बनना चाहिए, लेकिन NO2 बहुत बल्की ग्रुप है, NO2 बहुत बल्की ग्रुप है, इधर डबल बॉन्ड O होगा, इधर O होगा, तो इधर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कम होगा, जबकि ये बहुत छोटा ग्रुप है, काफी छोटा ग्रुप है। तो अपन कहेंगे प्रोडक्ट तो दोनों ही बनाऊंगा मैं, ये भी बनाऊंगा वो भी बनाऊंगा, प्रोडक्ट तो दोनों ही बनाऊंगा, ये भी बनाऊंगा ये भी बनाऊंगा, लेकिन इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, क्योंकि ये ग्रुप ऐसे होगा ना, NO2 ग्रुप जो है वो थोड़ा बड़ा ग्रुप है, NO2 ग्रुप जो है वो थोड़ा बड़ा ग्रुप है, सो विल राइट लाइक दिस, ऐसे होगा। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है इसके कंपेरिजन में, थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो फिर अपन ऑर्थो वाले को मेजर रिज्यूम कर लेंगे, इसको माइनर रिज्यूम कर लेंगे। तो ये प्रॉब्लम। और अगर दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, इफ टू डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट, देन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक ES reaction is always with respect to stronger deactivity. तब वो stronger deactivating group respect में होता है, जैसे अगर अपने पास given है दो deactivating group ले लेते हैं, एक NO2 ले लेते हैं, एक CHO ले लेते हैं, दोनों ही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, एक NO2 लेते हैं एक CHO लेते हैं, एक NO2 लेते हैं एक CHO लेते हैं,
इसमें ये दर, इसमें इधर NO2 के रिस्पेक्ट में और इसमें इधर NO2 के रिस्पेक्ट, तो आप ऐसे बता सकते हैं दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब ORM2 में अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो अपन को पढ़ना है। और उसके अलावा अपन पढ़ेंगे हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, देख लो भाई, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब विल राइट दैट हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स, ऑफ एल्केन्स एंड एल्कीन्स, पहले एल्केन्स लिख लेते हैं। हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स में व्हाट विल राइट दैट, अगर अपने पास कोई एल्केन्स है, अपने पास कोई एल्केन्स है और उसका हैलोजनेशन करते हैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ या तो परऑक्साइड करना पड़ेगा या सनलाइट करना पड़ेगा, या परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है, तो वी गेट एल्काइल हैलाइड्स एंड एचएस, ये प्रोडक्ट होता है। एक एग्जांपल देते हैं, अगर अपने पास CH3CH2 और CH3 इसका क्लोरीनेशन करते हैं, तो लाइट के प्रेजेंस में अपने पास दो प्रोडक्ट मिलेंगे, टू मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स मिलेगा, एक मिलेगा ये और एक मिलेगा ये CH2CO, ये दो प्रोडक्ट हैलोजनेशन ऑफ एल्केन, एक प्रोडक्ट ये मिलेगा, एक प्रोडक्ट। तो अब अपन कहेंगे, जैसे मान लो इसमें अपन ने क्या किया, मैकेनिज्म की बात करें, तो पहले तो आप चेन इनिशिएशन स्टेप लिखोगे, तो रेडिकल मैकेनिज्म में इनिशिएशन स्टेप में किसका रेडिकल सब्स्टिट्यूट करना है वो बनता है, मतलब Cl जो है लाइट के प्रेजेंस में Cl2, Cl रेडिकल और Cl रेडिकल बनेगा। और फिर सील्ड चेन प्रोपगेशन स्टेप होता है, स्टेप होता है, सो सील रेडिकल विल रिएक्ट विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी अपन को गिवन है, तो ये इसका रेडिकल बनाएगा। अभी रेडिकल बनाएगा तो ये रेडिकल भी बन सकता है या फिर ये रेडिकल, दोनों ही रेडिकल बन सकते हैं, प्लस एच सी, दिस और दिस, ये मोर स्टेबल है, ये जल्दी बनेगा, ये लेस स्टेबल है, 1 डिग्री रेडिकल, तो ये स्लो बनेगा। तो ये रेडिकल ज्यादा बनेगा, मतलब इस रेडिकल से मेजर प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, तो अपन कहेंगे फिर उसके बाद CH3CH रेडिकल और CH3 will react with Cl2 to give you this, Cl बनेगा,
प्लस सीएल रेडिकल बनेगा, फिर चेन रिएक्शन बनेगा, फिर ये रेडिकल सीएल रेडिकल बनेगा, दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ये बना देगा, तो वो चेन रिएक्शन। तो जो ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा वो मेजर बढ़ता रहेगा, वो मेजर बढ़ेगा और ये मैटर करेगा। इन ऑल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन जिस स्टेप में ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल बनेगा वो स्टेप होता है रेडिटर्मिंग स्टेप। जिस स्टेप में ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल बनेगा दैट स्टेप इज कॉल्ड रेडिटर्मिंग स्टेप इन ऑल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शंस। तो इसमें जितना ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा उतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन। तो इसका मतलब अगर 3 डिग्री रेडिकल बनता तो और ज्यादा स्टेबल होता बिल्कुल। तो अपन लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स बता रहा हूं। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स अगर अपन चेक करेंगे तो अपन लिखेंगे भाई रिएक्टिविटी ऑफ ऑफ सी एच वन फॉर फ्री रेडिकल। अगर 3 डिग्री सी एच है तो ज्यादा रिएक्टिव होगा 2 डिग्री सी एच से, ज्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री सी एच से। वो स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री रेडिकल ज्यादा होगा इसलिए। दीज आर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन विथ सी एच तो फॉर एल्केन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स फॉर एल्केन्स। अपन ये सिर्फ एल्केन की बात कर रहे हैं। तो 3 डिग्री सी एच बॉन्ड 5 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री सी एच बॉन्ड से। और 2 डिग्री सी एच बॉन्ड 3.8 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री सी एच बॉन्ड से। सो दिस इज द रेशियो ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सी एच बॉन्ड फॉर क्लोरिनेशन। दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। रिएक्टिविटी ऑफ Br2 विथ सी एच The 3 degree CH bond is more 1600 times more reactive for bromination. In case of bromination, this is more reactive than 1 degree CH bond. These are experimental facts. And the 2 degree CH bond is 82 times ज़्यादा reactive होता है 1 degree CH bond. So these are the experimental facts. On the basis of these facts, I'm able to write that कि यहाँ पर जो ये major percent major product बनता है ना, this is 55% and this is 45%. बहुत ज़्यादा difference नहीं है उनके amount. तो ये amount कैसे calculate करेंगे? इससे reactivity से. Amount of product होता है. अगर हमें कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूं। सो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जैसे मुझे इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे मल्टीप्लाई करना होगा अमाउंट ऑफ एनी प्रोडक्ट है। सो रिएक्टिविटी रेशियो, पहले तो पर ठीक है, पहले कोई भी लिख लो, दोनों में हमें प्रोडक्ट लिखना है दो का। सो नंबर ऑफ टाइप ऑफ सी एच बॉन्ड ऑफ सी एच मल्टीप्लाई बाय रिएक्टिविटी रेशियो। रिएक्टिविटी रेशियो ऐसे कैलकुलेट कर लेता हूं, इसी को कैलकुलेट करके देखते हैं ए वाले को, फिर अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
एल्केन्स के लिए आपको ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी, एल्केन्स का हैलोजिनेशन आपको उसी से बताना पड़ेगा। हैलोजिनेशन ऑफ एल्कोन्स एल्केन्स आपको इसी से बताना पड़ेगा। ये परसेंटेज कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार, फिर अपन दूसरे एग्जाम्पल। तो अगर मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल गिवन है, जैसे अपने पास उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, फिर अपन उसके बेसिस पे दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका आपने क्लोरीनेशन किया तो मुझे दो प्रोडक्ट मिले, एक प्रोडक्ट ए कर लेते हैं अपन, ये एक अपने पास ए प्रोडक्ट ये हो गया, इसको ए बना लेते हैं और ये बी प्रोडक्ट। इसके दो ही मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट पॉसिबल है, इसको बी प्रोडक्ट बना लेते हैं। अब अपन लिखते हैं अमाउंट ऑफ ए, ए का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें जो अपन को पहले आपने बताया है, इसमें तो आपने कहा था कि नंबर ऑफ टाइप ऑफ सी एच बॉन्ड मल्टीप्लाई बाय द रिएक्टिविटी रेशियो, तो 2 डिग्री सी एच बॉन्ड है पहले वाला जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 1 डिग्री सी एच बॉन्ड है, ये 2 डिग्री सी एच बॉन्ड है, ये 1 डिग्री सी एच बॉन्ड है। तो इधर 2 डिग्री सी एच बॉन्ड दो प्रेजेंट है, तो मैं इसको 2 लिख लूंगा और मल्टीप्लाई बाय 2 डिग्री का रिएक्टिविटी रेशियो 3.8 होता है, तो मेरे पास 7.6 है। तो आपने क्या कहा, आपने कहा आप नंबर ऑफ टाइप ऑफ सी एच बॉन्ड, तो 2 डिग्री सी एच बॉन्ड दो थे मेरे पास, इसमें 2 सी एच बॉन्ड और मल्टीप्लाई बाय द रिएक्टिविटी रेशियो, 2 डिग्री का रिएक्टिविटी रेशियो फॉर क्लोरीनेशन इज 3.8, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई कर लिया। फिर अमाउंट ऑफ बी की बात करते हैं, अमाउंट ऑफ बी में टोटल 6 मोल्स मल्टीप्लाई बाय रिएक्टिविटी रेशियो 1 डिग्री का, ये 6 होगा। तो टोटल अमाउंट जो अपने पास बनेगा, आई विल राइट दैट टोटल अमाउंट इज of product is equal to this plus this 13.6, तो फिर percentage of A, that is 7.6 divided by 13.6 multiplied by 100, and percentage of B, that will be equal to 6 by 13.6 multiplied by 100. This comes out to be nearly 45%, and this comes out to be nearly 55%. ये लगा ही है। This is how we get the answer. ये example. अभी मान लो अपन इसमें ब्रोमिनेशन करते हैं, तो ब्रोमिनेशन में फिर 2 डिग्री का 82 होता है रिएक्टिविटी रेशियो और ये 1 होता है, तब तो उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है क्योंकि 82 into 2 करना पड़ता है। अगर एग्जाम्पल 2 ले लें, मेरे पास ऐसे कितने CH3 और CH3 है, इसका क्लोरीनेशन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट परसेंटेज बनेगा, और एग्जांपल 3 कर लेते हैं, अगर इसका ब्रोमिनेशन करेंगे तो क्या परसेंटेज बनेगा, जरा कैलकुलेट करके बताओ दोनों का परसेंटेज, कितने मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे और कितना परसेंटेज होगा वो कैलकुलेट करके बताओ।
हाँ जी भाई हो गया। तो इधर दो ही मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बने, एक तो तुमने कुछ बोलते भी नहीं हो, पता नहीं पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। दो प्रोडक्ट बने अपने पास, एक ये बना है, एक ये बना। इसको ए बना लो, इसको बी बना लो। इसका अमाउंट लिख लेते हैं, ये तीनों एक जैसे हैं, 1 डिग्री, सो 1 into 9। ये एक ही है, सो 5 into 1 14 है। तो ये हो जाएगा ए वाला जो हो जाएगा, इससे आपने ए बनाया, इससे आपने बी बनाया। सो ए वाला हो गया 9/13 × 100, ये हो गया 5/13 × 100। ये अपना मेजर है। ब्रोमिनेशन करूंगा तो इससे ए बना देता, इससे बी बना देता। तो ए वाले में तो 1 into 9 हो जाएगा और बी वाले में तो 3 डिग्री है, तो 1600 × 1 हो जाएगा। तो आपका जो ए बनेगा वो तो 1600 divided by ए वाला तो 9/1609 होगा × 100 होगा, और जो बी वाला होगा वो तो 1600 divided by 1609 × 100 होगा। मतलब ये तो ट्रेसेस में होगा ए वाला, है ना, मतलब ये तो ट्रेसेस में होगा ए वाला। तो इसमें अपन बता सकते हैं भाई ऑलमोस्ट परसेंटेज मतलब कितना होगा, कैलकुलेट करके अपन बता देंगे। लेकिन इधर ए वाला तो ट्रेसेस ही होगा, मतलब बीआर के केस में। अब इधर देखो, इधर 1 डिग्री से मेजर प्रोडक्ट आ रहा है जबकि 3 डिग्री से माइनर प्रोडक्ट आ रहा है। लेकिन ब्रोमिनेशन के केस में तो हमेशा 3 डिग्री वाला ही मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि 3 डिग्री का रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ब्रोमिनेशन के केस में तो हमेशा 3 डिग्री वाला ही मेजर प्रोडक्ट। सर ये दो क्वेश्चन नहीं समझा सर, ये तो ट्रेसेस में आया, ये वाले दोनों क्वेश्चंस। हाँ सर, आप इसको कैलकुलेट कर लो अमाउंट ऑफ। अमाउंट ऑफ ए कैलकुलेट करोगे तो ए के नंबर ऑफ टाइप ऑफ सी एच बॉन्ड कितने हैं, 9, और रिएक्टिविटी रेशियो 1, तो 9 हो गया ए वाला। ये आपने पीछे लिखा ना इसमें, अगर आपको किसी का अमाउंट कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ सी एच बॉन्ड मल्टीप्लाई बाय रिएक्टिविटी रेशियो। हाँ सर, तो इसमें नंबर ऑफ टाइप ऑफ सी एच बॉन्ड कितने थे, 3 इधर हैं 3 इधर हैं 3 इधर हैं, तो 9 हो गए सी एच बॉन्ड, 9 × 1। अब अमाउंट ऑफ बी कर लो, अमाउंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू, तो बी वाला तो आपने इससे बनाया था, एक ही है वो तो, और रिएक्टिविटी रेशियो 5 है उसका, तो 5 है, तो टोटल अमाउंट 14 होगी। तो परसेंटेज ऑफ ए कितना हो जाएगा, 9/14 × 100, और परसेंटेज ऑफ बी 5/14 × 100। हाँ सर, हो गया, ये 14 हो गया, 9 + 5 तो हो गया आपका ऐसे ही। सर वो नीचे वाला 1600 कैसे, पिछले वाले पेज पे लिखा था ना, ये क्या लिखा हुआ। हाँ सर समझा सर, तो रिएक्टिविटी रेशियो हो गया। तो आप ऐसे कैलकुलेट करके बताओ कि अगर परसेंटेज आपसे पूछे, ठीक है ना।
ये आपका हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन था। अब अपन हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स की बात कर लेते हैं, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन है। तो अब इसमें हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स के बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करते हैं, क्योंकि इसमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है रेडिकल में और मार्कोनिक ऑक्सिल भी पड़ता है। तो पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे उसी में मार्कोनिक ऑक्सिल पड़ता है और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा देर बाद पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात कर लेते हैं। एडिशन रिएक्शन इन बेंजीन, बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्कीन्स, एल्कीन में तो बेंजीन में तो एडिशन रिएक्शन ही नहीं होता, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एग्जांपल अगर अपन लिखे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, हैलोजिनेशन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हैलोहाइड्रिन रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वाटर का एडिशन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और जिसमें अपन परऑक्साइड या सनलाइट यूज करेंगे दे आर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शंस। तो पहले अपन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स पढ़ते हैं, HX का एडिशन। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, हैलाइड्स, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड मींस HCl का एडिशन, HBr का एडिशन और HI का एडिशन, ये एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं। तो एडिशन रिएक्शन में विल से दैट अगर अपने पास एल्कीन्स गिवन है तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 अपने पास गिवन है तो अपन HX से रिएक्ट करवा लेते हैं। H प्लस आयन जो होगा वो अटैक करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, तो अपन ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे और ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने के बाद अपन हैलोजन ऐड करेंगे, हैलोजन ऐड करेंगे तो विल गेट द प्रोडक्ट, मतलब अपने पास जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उसी को बना के अपन अपना प्रोडक्ट बना देंगे। तो वी आर नॉट टेलिंग कि ये वाला प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगा, बनेगा बट उसका अमाउंट बहुत कम होगा, मतलब वो ट्रेसेस में बोल सकते हैं कि भाई अगर इसका अमाउंट बहुत ज्यादा होगा 90% से ज्यादा, ये 10% से कम होगा, लाइक दैट वी कैन से, क्योंकि मोस्टली अपन 2 डिग्री कार्बोकैटायन ही बनाएंगे, मोर स्टेबल। और अगर जरूरत पड़ेगा तो रीअरेंजमेंट भी कर लेंगे, लाइक दैट, मतलब कभी कभी अगर अपने पास ऐसे भी गिवन है तो अपन रीअरेंजमेंट भी कर सकते हैं, अपन को प्रॉब्लम नहीं होता। मान लो अपने पास ऐसे गिवन है और अपन को इसमें HCl का एडिशन करना है तो विल राइट दैट कि भाई H प्लस आयन अटैक करेगा, कार्बोकैटायन बनाएंगे, कार्बोकैटायन बनाएंगे तो विल गेट लाइक दिस। अब इसमें रिंग एक्सपेंशन, आप रिंग एक्सपेंशन करोगे तो यू विल गेट लाइक दिस, आफ्टर द रिंग एक्सपेंशन सो वी गेट मोर स्टेबल कार्बोकैटायन लाइक दिस इन दिस केस, इसमें अपन सी एल का ऐड कर लेंगे, सो द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी लाइक दिस, ये अपने लिए प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये सारा रीअरेंजमेंट वगैरह रिंग एक्सपेंशन कंट्रैक्शन ये मैंने आपको बता रखा। अब अगर मान लो इसमें in unsymmetrical alkenes the addition take place according to Markovnikov's rule, but remember that there must not be any rearrangements, in Markovnikov addition, there must not be, a rearrangements. जैसे अपन कहेंगे देखो,
इसमें तो मैं मार्कोनिक ऑफ एडिशन बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन बना, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ और हैलोजन ऐड हो गया और अनसिमेट्रिकल, ये भी अनसिमेट्रिकल है, लेकिन मैं इसमें मार्कोनिक ऑफ नहीं बोल सकता, क्यों? इसमें तो रीअरेंजमेंट हो रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट कुछ और ही बन रहा है भाई। रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो मार्कोनिक ऑफ रूल, और अपन कहेंगे कि सर अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो हमें मार्कोनिक ऑफ रूल बोलना ही नहीं है, हमें मार्कोनिक ऑफ रूल की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मार्कोनिक ऑफ वर्ड तब आता है जब रीअरेंजमेंट नहीं होते। अगर किसी रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वहां मार्कोनिक ऑफ रूल लिख ही नहीं सकते अपन। एक्चुअली मार्कोनिक ऑफ रूल टाइप का कुछ होता नहीं है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। Is shown by only HBr when it reacts, in presence of peroxide, So it is called peroxide effect. So it is also called anti-Markovnik of rule. तो होता ही है. हम उसे परोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, पर्ल्ड परोक्साइड इफेक्ट, हम उसे परोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं या कराश इफेक्ट भी बोलते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे पर अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन गिवन है और इसमें HBr का एडिशन है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा परोक्साइड, क्योंकि जब आप परोक्साइड लिखोगे तो मुझे पता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, रेडिकल मैकेनिज्म है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो इसमें जो एडिशन होगा इट विल बी लाइक दिस, अपन कहते हैं मार्कोनिक ऑफ रूल का मतलब है जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम से बोलते हैं अपन मार्कोनिक ऑफ रूल, डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन एटम डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं उनमें जिसके पास लेस हाइड्रोजन है उस पर एनायन ऐड कर लो, और जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है उस पर कैटायन ऐड कर लो। और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल होता है जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है उस पर एनायन ऐड कर लो, और जिस पे कम हाइड्रोजन है उस पर कैटायन ऐड कर लो, दैट इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, उस पर कैटायन ऐड कर लो, दैट इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिक। तो है ना, तो यहां पर थोड़ी रेडिकल, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, यहां पर परोक्साइड लिखा है तो रेडिकल मैकेनिज्म हो गया, परोक्साइड मतलब रेडिकल मैकेनिज्म। तो नेक्स्ट वी कैन राइट इज, जब परोक्साइड लिखा होगा तभी अपन रेडिकल मैकेनिज्म बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। परोक्साइड लिखा होगा तो ही आप रेडिकल मैकेनिज्म बता सकते। तो मैं नेक्स्ट पेज पे अपन एक एग्जांपल, मेरे पास ऐसे की और इसमें मैंने HBr लिया, तो मैं इसमें इधर अटैक करवा के कार्बोकैटायन बनाऊंगा, ये कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी होगा और रीअरेंजमेंट करना, और रीअरेंजमेंट होगा तो बीयर का एडिशन करना जो इधर को देता है, बीयर को ऐड करूंगा तो आई विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। ये प्रोडक्ट
लेकिन अगर इसी रिएक्शन में अपन को गिवन होता HBr, इसी रिएक्शन में अपन को गिवन होता HBr, लेकिन उसको परऑक्साइड लिखा होता, तो अपन को पता था नाउ दिस इज अ रेडिकल मैकेनिज्म, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो इस कॉम्बिनेशन में हमको एंटी मार्गनिक असर पता था, क्योंकि आपने परऑक्साइड लिखा, सो परऑक्साइड इफेक्ट, तब तो आई विल राइट द रिएक्शन इधर H ऐड होगा और इधर भी ऐड होगा, दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। और अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो HCl लिखता और परऑक्साइड लिखता, तो फिर मैं H प्लस आयन को अटैक करता है, कार्बोकैटायन बनाता, रीअरेंजमेंट करता और ऐसे ही प्रोडक्ट, मतलब आई विल राइट द प्रोडक्ट लाइक दिस। एंटी मार्गोनिक ऑक्सीड इज ऑन द परऑक्साइड इफेक्ट और एंटी मार्गोनिक ऑक्सीड, और एंटी मार्गोनिक ऑक्सीड इज ओनली फॉर एच बी आर, एच बी आर HI and HCl do not show this reaction. HI and HCl do not show peroxide effect. Peroxide. वो peroxide effect show नहीं करते हैं। अगर आप peroxide लिखोगे भी तो भी मैं electrophilic addition करूँगा। It is only for HBr. Anti-mer. सिर्फ एच बी आर शो कर, रेडिकल मैकेनिज्म नो डाउट, परऑक्साइड लिखा होगा तो रेडिकल मैकेनिज्म, अगर रेडिकल मैकेनिज्म की बात करें अपन तो इट इज लाइक दिस, एच बी आर को अपन रिया करते हैं परऑक्साइड के साथ, दिस परऑक्साइड, परऑक्साइड फ्री रेडिकल इजीली प्रिपेयर कर लेता है, परऑक्साइड जो है वो रेडिकल इजीली प्रिपेयर कर लेंगे तो इनसे रिएक्ट कर लेंगे बीआर रेडिकल, परऑक्साइड फॉर्म्स रेडिकल वेरी इजीली, फॉर्म रेडिकल वेरी इजीली, वो इजीली रेडिकल बना लेते हैं तो फिर वो HBr को ब्रेक करके HBr को रिएक्ट करके RO रेडिकल इन दोनों में से एच से रिएक्ट करेगा, Br रेडिकल बनेगा, फिर Br रेडिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करेगा। लेट अस टेक वन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, दिस द अनसिमेट्रिकल, ये बीआर रेडिकल डबल बॉन्ड पे ऐड होगा, ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा, अगर ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा तो विल गेट लाइक दिस, हम 2 डिग्री रेडिकल बनाएंगे, ये रेडिएटिंग स्टेप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल बनाएंगे, अगर अपन को रेडिकल बनाना है दोनों में से, यहां से 1 डिग्री रेडिकल बनेगा, यहां से 2 डिग्री रेडिकल, तो अपन 2 डिग्री ही बनाएंगे, फिर जो 2 डिग्री रेडिकल बनेगा आपके पास इसको अपन रिएक्ट करेंगे HBr के साथ, तो H और Br में से H का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा क्योंकि उसका मास कम है, अगर कोई अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल रेडिकल बना रहा है तो पहले कौन रिएक्ट करेगा, जिसका मास कम होगा, अगर कोई अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल HBr अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और वो रेडिकल बना रहा है तो पहले कौन रिएक्ट करेगा, जिसका मास कम होगा हमेशा, तो यहां पर CH3 CH इधर H इसके H से रिएक्ट करेगा, ये
तो मिलेगा CH2Br। और दिस एंटी एडिशन ना, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जैसे हो रहा था उसका उल्टा हुआ है। भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में तो यहाँ कार्बोकैटायन बनाते हैं, Br यहाँ ऐड करते हैं और H इधर, ये कार्बोकैटायन थोड़ी बन रहा है, ये तो रेडिकल मैकेनिज्म है। इसमें रेडिकल बनेगा तो रेडिकल ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 2 डिग्री बनेगा। कैसे, Br रेडिकल के एडिशन से। तो यहां पर ये H से रिएक्ट किया तो Br रेडिकल बनेगा, जैसे यहां पर Br का एडिशन हुआ तो विल गेट दिस। ये अपने लिए स्टेप वन है, पूरे डिटरमिन स्टेप, और ये स्टेप टू है। अगर अपन कंपेयर करें स्टेप्स को, अगर अपन कंपेयर करें स्टेप वन और स्टेप टू को, तो अपन लिख सकते हैं दैट इज हाइड्रोजन हैलाइड लिख लेते हैं, स्टेप वन लिख लेते हैं, और स्टेप टू। तो HF, HCl, HBr और HF हाइड्रोजन हैलाइड्स। स्टेप वन में अगर HF को रिएक्ट करेंगे तो दिस विल बी एक्सोथर्मिक, बट दिस विल बी एंडोथर्मिक। सिमिलरली दिस विल बी एक्सोथर्मिक, दिस विल बी एंडोथर्मिक, दिस विल बी एक्सोथर्मिक और ये भी एक्सोथर्मिक। इसमें ये एंडोथर्मिक है और ये एक्सोथर्मिक। अगर अपन चेक करेंगे तो सिर्फ HBr ही ऐसा था जिसमें आपके दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक थे। ओनली इन केस ऑफ HBr, बोथ स्टेप इज एक्सोथर्मिक। सो एंटी मार्बनिक ऑफ इज शोन बाय HBr, इसलिए वो सिर्फ HBr शो करता है। अभी व्हाट हैपेंस, जैसे अपन HF की बात करें तो HF रेडिकल तो बहुत अनस्टेबल होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रखोगे तब तो बहुत अनस्टेबल होगा, बहुत अनस्टेबल होगा, तो रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होगी, इट विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन सेकंड स्टेप में HF बहुत छोटा बॉन्ड है, छोटा बॉन्ड होगा तो ब्रेक करना मुश्किल होगा, छोटा बॉन्ड है तो HF को ब्रेक करना मुश्किल होगा। अगर HF को बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होगा तो नेक्स्ट स्टेप विल बी एंडोथर्मिक। सिमिलरली फॉर HCl, दूसरा वाला स्टेप HCl का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा HBr से, तो उससे किन स्टेप एंडोथर्मिक है। HBr में दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक है क्योंकि बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होगी। आयोडीन के केस में पहला स्टेप जो होगा वो एंडोथर्मिक होगा, बिकॉज आई रेडिकल जो होगा वो दूसरे आई रेडिकल से रिएक्ट करके I2 बनाना चाहता है, rather than कि वो इससे रिएक्ट करे, rather than वो इससे रिएक्ट करे आई रेडिकल, वो आई दूसरे रेडिकल के साथ I2 बनाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये I2 इस फॉर्म में रहे उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब अगर मुझे I2 को I रेडिकल में रखना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। और एनर्जी देनी पड़ेगी तो फर्स्ट स्टेप एंड होता है। तो इस केस में फर्स्ट स्टेप एंडोथर्मिक होगा, लेकिन HI का बॉन्ड लेंथ तो बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा तो इजीली ब्रेक। HI का बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होगा तो HI का बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगा तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप एक्सोथर्मिक है। तो सिर्फ HBr के केस में ही दोनों स्टेप्स जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं रिएक्शन के, वो दोनों स्टेप्स एक्सोथर्मिक हैं, इसलिए सिर्फ HBr ही परऑक्साइड इफेक्ट शो करेगा।
This is about the addition of HCl or addition of hydrogen halides. Addition of halogens. Break ले लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे. ठीक है? Addition of halogens. अपन break के बाद. तो पहले break लेते हैं, फिर उसके बाद अपन. Addition of halogens. तो 39 हो रहा है, 40-45 पे आते हैं. 40-45-55 पे आते हैं. 15 minutes के बाद.
तो हाइड्रोजन लाइट्स, अभी अपन हेलोजन का एडिशन करते हैं. तो द सेकंड एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज एडिशन ऑफ हैलोजन्स. ठीक है, तो हैलोजन्स के एडिशन में विल राइट दैट एक्स टू या फिर सीएल टू या फिर बीआर टू या फिर आई टू. ये generally since these are non-polar compounds so we take a solvent, this is non-polar solvent in presence of CCl4. ab given a solvent to achhi baat hai, nahi ki maine to koi problem nahi hai. it is not like that ki nahi nahi aap likhoge tabhi reaction hoga. agar solvent given hai to achhi baat hai. you can take any other non-polar solvent ya solvent nahi bhi mentioned hai to bhi apan alkene mein addition karna hai. to apan example likh lete hain. what we can do is अपने पास अगर मान लो ऐसे तो अपन क्या करेंगे, इसमें हेलोजन का एडिशन करेंगे, दैट विल बी एंटी एडिशन. CCl4 में अपन लिख लेते हैं और एंटी एडिशन विल टेक प्लेस. एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन मींस एक हेलोजन अपन ऐसे लिख और एक हेलोजन अपन ऐसे लिख. तो एक हैलोजन अगर यहां से ऐड होगा तो दूसरा हैलोजन यहां से ऐड होगा, लेकिन अगर इसमें यहां से ऐड करोगे तो इसमें अपन यहां से ऐड करेंगे. दैट इज व्हाट वी मीन बाय द एंटी एडिशन. इसको अपन एंटी एडिशन बोलते हैं. बाकी हैलोजनेशन में और कुछ ऐसा नहीं होता है. वी कैन राइट दैट्स हैलोजनेशन में ये एंटी एडिशन होता है. अब अगर अपन अपने पास ऐसे गिवन है, अपने पास ये CH3 गिवन है, इधर H गिवन है, इधर अपने पास H गिवन है और इधर CH3 गिवन है, तो अपन कहेंगे ये तो ट्रांसल्कीन. अगर ट्रांसल्कीन में अपन एंटी एडिशन करें, इसमें Cl2 का एडिशन इन CCl, तो पहले जो Cl2 होता है वो इसके साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, मतलब ऐसे एडिशन होता है. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे अटैक करता है. तो विल से दैट हमको साइक्लिक क्लोरोनियम आयन बनेगा पहले. इट्स कॉल्ड साइक्लिक क्लोरोनियम. बाकी पार्ट वैसे ही रहेगा. साइक्लिक क्लोरोनियम आयन बनेगा. साइक्लिक क्लोरोनियम आयन. अब इसमें क्या होगा, साइक्लिक क्लोरोनियम आयन में जो दूसरा सीएल नेगेटिव होता है वो यहां अटैक करेगा, अगर तो ये इधर शिफ्ट होगा, और अगर ये वाला सीएल इधर अटैक करेगा तो ये इधर शिफ्ट होगा. तो अपने पास दो प्रोडक्ट्स बनेंगे. दो प्रोडक्ट कैसे, अगर ये वाला सीएल इधर अटैक किया तो चलो अपन ए वाला प्रोडक्ट मान लेंगे कि ए प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, मतलब ए में प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऐसे बनेगा. इधर वाला सीएल इधर आएगा और ये सीएल ऊपर से अटैक. और अगर ये वाला सीएल इधर से अटैक करेगा तो अपन बी प्रोडक्ट मान लेते हैं. तो फिर उस केस में से बने, इधर से अगर अटैक करेगा वो सीएल तो फिर ये वाला सीएल जो होगा, अगर मान लो वो इधर से अटैक करेगा तो ये वाला सीएल इधर आ जाएगा. बाकी पार्ट वैसे ही रहेगा, बाकी पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा. ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा, ट्रांसल्कीन ही रहेगा. बाकी पार्ट अपन ऐसे ही बनाएंगे. बाकी पार्ट अपन वैसे ही बनाएंगे. लेकिन अगर ये ट्रांसल्कीन है तो यहां पर अगर अपन प्रोडक्ट चेक करेंगे तो ये मीजो तो नहीं है. दिस इज अवर इसमें क्वेश्चन, मतलब दोनों ही बनेंगे. एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिनिक मिक्सचर. रेसिनिक मिक्सचर क्यों, क्योंकि अगर अपन इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 आर कॉन्फिगरेशन, इसको अगर कैलकुलेट करूंगा तो दिस विल बी 1 2 3 ऐसे. ये अगर अपन चेक करेंगे तो ये इसका
इस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, आएगा तो एक दूसरे कमरे में मैच होगा, क्योंकि एक दूसरे का मिरर इमेज है तो मिरर कंपेयर करेगा। तो ये वाला जो होगा ये एस होगा और ये आर, तो फिर रेसिंग मिक्सचर नहीं बना मिजो, क्योंकि इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट का मिरर इमेज है। तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन से बताएंगे, देख के थोड़ी बताते हैं क्या होगा, हमको आर एस कॉन्फ़िगरेशन से बताना। अगर इसकी जगह अपने पास सिज होता तो अगर सिज लिखते अपन तो ऐसे बनाते, ये सीज थ्री है, अपने पास सिज लिखी, अगर अपने पास सिज लिखी न होता तो अपन ऐसे सीएल टू ऐड करते, सीसीएल फोर में साइक्लिक क्लोरोनियम आयन बनाते, सिज़ल्किन बनाते हैं, तो सिज़ल्किन में विलाप लाइक दिस, इधर हाइड्रोजन होता है इधर CH3 होता, तो विल रीड लाइक दिस, इधर सीएल नेगेटिव बटा, इधर इस पे अटैक करेगा तो ये सीएल इधर आ जाएगा, सो विल गेट लाइक दिस, ठीक है, अपन को ऐसे मिलेगा। और अगर ये इस पे अटैक करेगा तो ये वाला सीएल इधर आ जाएगा, ये दो प्रोडक्ट, बाकी पार्ट वैसे ही रहेगा, तो चलो बाकी पार्ट को वैसे ही बना लेते हैं सिस फॉर्म। इसको सिस बना देते हैं, इसको भी सिस बना देते हैं, इसको भी सिस, ये बन गया। अब आर एस कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करते हैं, तो 1 2 3 ये ऐसे, और इसको कैलकुलेट करूंगा तो 1 2 3 ये भी है, ये आर है और ये भी आर है। अब इसमें तो मिरर इमेज नहीं है ना, इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट का मिरर इमेज नहीं है ना, तो ये रेसिंग मिक्सचर है, ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस है इन एनचोमर्स से, बिकॉज़ दे आर एनचोमर्स, तो जब भी एंटी एडिशन होगा ना, ये एंटी एडिशन है, ये सिज है, तो अगर सिज है एंटी एडिशन है तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा, अगर आपके पास सिज एल्कीन है एंटी एडिशन तो हमेशा रेसमिक मिक्सचर बनेगा, और अगर ट्रांस है एंटी एडिशन है तो मीजो कंपाउंड बनेगा, और एंटी एडिशन तो मीजो कंपाउंड बनेगा, दिस इज द, अब सपोज वी आर गिवन लाइक दिस, जैसे इसमें अपन ने लिखा सिस डॉट्रांस से,
अब मान लो अपने पास ऐसे की दूसरे जैसे इसमें लिखा करना सी, अब एक डी लिखते हैं। मान लो अपने पास सिज तो गिवन है लेकिन अनसिमेट्रिकल है, सिज तो है लेकिन अनसिमेट्रिकल है, और इसमें सीएल टू या बीआर टू का एडिशन करता है, तो ये सिज तो है, एडिशन तो एंटी होगा, एडिशन तो एंटी होगा, एडिशन तो एंटी होगा, इधर बी आर होगा तो इधर एडिशन तो एंटी होगा, और इसमें अपन लिखेंगे भी ऐसे, मान लो अपने पास ऐसे सी एच थ्री एच क्यू और इसमें सी टू एच फाइव क्यूवन है एच क्यूवन, ये है तो सिस, लिखा तो अपन सिस है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई इसमें अनसिमेट्रिकल ले रखा है, तो इसमें कभी भी ना जैसे ये दोनों अलग हैं, तो एडिशन तो अपन बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन ये कभी मीजो नहीं बनता, तो ये रेसिमिक मिक्सचर ही होता है, सिजो या ट्रांसो, प्रोडक्ट अपने पास क्योंकि इसमें कभी मेजो बन ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि प्लेनम सिमेट्री आ ही नहीं पाएगी, ये दोनों अलग अलग है, तो अगर इन दोनों कार्बन एटम पे अगर एक भी ग्रुप डिफरेंट है तो मेजो प्रोडक्ट कभी नहीं बन पाएगा, तो फिर अपन मेजो प्रोडक्ट करते हैं। तो सिस और ट्रांस इसमें फिर कहेंगे सिंस एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, सो वी कैन नेवर गेट मेजो प्रोडक्ट, बट वी ऑलवेज गेट और इसमें always get the variation. Next week. So this is all the addition of halogenation techniques. Next we can write is addition of halide. Addition. Addition of HOX. We can write it as HOCl, HOBr or HOI. इसमें हैलोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, OH पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज उसमें नेगेटिव चार्ज, तो विल रीड दैट। वैसे इसमें अपन लिख सकते हैं addition is always according to the Marconi constant, matlab without rearrangement, agar Marconi constant likhunga to rearrangement nahi kar sakte, without CH3CH double bond CH2, इसमें HOCl का addition करता है, तो Cl positive attack करेगा, we'll get cyclic chloroamine,
और साइक्लिक क्लोरीनामाइन बनने की वजह से ही रीअरेंजमेंट नहीं होता है। और जो OH होगा दैट विल अटैक होगा। अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो एनायनिक पार्ट हमेशा वहां ऐड होगा जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है। एनायनिक पार्ट वहां ऐड होगा जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है। और ये आप मार्कोनिक ऑक्सीड लिखा हुआ है तो यू नो दैट, जब पे कम हाइड्रोजन है वहां एनायनिक पार्ट ऐड कर दो, जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां कैटायनिक पार्ट ऐड। अगर अपन ऐसे और इसमें अच्छो सी है या अच्छो बी आर तो बी आर पॉजिटिव अटैक करेगा, विल गेट साइक्लिक ब्रोमाइन। हमको साइक्लिक ब्रोमाइन उसके बाद OH नेगेटिव अटैक करेगा। OH नेगेटिव अटैक करेगा फ्रॉम द अदर साइड तो वी गेट लाइक दिस विदाउट रीअरेंजमेंट्स। तो साइक्लिक ब्रोमोनियमाइन फॉर्मेशन की वजह से रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि फ्री कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म होता। अगर से फ्री कार्बोकैटायन फॉर्म होता तो रीअरेंजमेंट करते। अगर मैं फ्री कार्बोकैटायन बनाता तो रियल। दैट इज हाउ एडिशन ऑफ हैलोहाइड्रेट। अब एडिशन ऑफ वाटर चेक। एक तो अपन एसिड हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं, दूसरा अपन ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन कर सकते हैं। डीमर्करेशन कर सकते हैं और थर्ड अपन हाइड्रोबोरेशन कर सकते हैं। ये तीन मेथड्स हैं वाटर को ऐड करने के। इस वाले में तो जनरल एडिशन होता है, इस वाले में तो जनरल एडिशन। इस वाले में अकॉर्डिंग टू मार्कर होता है। और इस वाले में अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कर होता है। ये एडिशन अपन फर्स्ट की बात करते हैं फ्रॉम एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस में अपन लिखते हैं H plus and H, that is acid hydrolysis। तो एसिड हाइड्रोलिसिस में अपन क्या करेंगे, अपने पास there will be a formation of carbon फ्री कार्बोकैटायन। पहले अपन एसिड से रिएक्ट करेंगे
H plus ion attack करेगा, we'll get that CH3 CH a positive charge on this और CH3। उसके बाद अपन इसमें वाटर का एडिशन करेंगे। वाटर का एडिशन करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है ये एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, इसमें लोन पे डोनेट करेंगे तो लोन पे डोनेट करेंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक प्रोटॉन लीव करेगा तो एल्कोहल बनेगा। दिस इज द प्रोडक्ट। इसमें फ्री कार्बोकैटायन बना अपने पास, सो रीअरेंजमेंट्स of carbocation can take place. Rearrangements of carbocation can take place. तो अगर कोई carbocation rearrange करना है तो करें। रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वो सब पड़ा हुआ है, वाटर का एडिशन जैसे रीअरेंजमेंट्स कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं। देयर कैन बी सो मेनी रिएक्शंस। अपन ऑक्सीमेरिकुलेशन डीमर्कुलेशन oxymercuration and demercuration, addition of water according to Markovnikov constant. So apan isko na aise likhte hain, anti addition of water according to Markovnikov constant, water according to Markovnikov constant. According to my and the addition of water according to my. So agar apne paas acidity hai, ab Markovnikov ka word agar aayega to rearrangement possible nahi hai, हमें सिर्फ ऐड करना होता है जिसपे कम हाइड्रोजन है उस पर एनायनिक पार्ट, जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है उस पर कैटायनिक पार्ट। मतलब मुझे ऐसे वाटर ऐड करना है ये तो मुझे पता है। तो पहले मर्क्यूरेशन स्टेप करते हैं। मर्क्यूरेशन में आप पहले इसको मर्क्यूरिक एसिटेट से लिया इन प्रेजेंस ऑफ पीएच, फिर आप इसे वाटर से रिएक्ट करोगे तो वी गेट लाइक दिस, तो वी गेट लाइक दिस। फिर अपन इसको NaBH4 से रिएक्ट करते हैं तो ये H नेगेटिव देता है, वो H नेगेटिव अपन इस पे ऐड करते हैं। जो H नेगेटिव ये देगा क्योंकि बोरोन हाइड्राइड वगैरह ये सब एच नेगेटिव देते हैं तो ये लीव करेगा, सो आई गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस। देयर इज ऑन इसको अपन कहते हैं मर्क्यूरेशन स्टेप। अपन ने इसमें मर्करी ऐड किया, मर्क्यूरेशन स्टेप, और इसको अपन कहते हैं डीमर्क्यूरेशन स्टेप। अपन ने मर्करी हटाया। मर्क्यूरेशन स्टेप में अपन ने इसमें OH ऐड किया, OH ऐड करूंगा तो ऑक्सीडेशन, अपन ने इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया, और इसमें अपन ने हाइड्रोजन ऐड किया मतलब रिडक्शन, सो डीमर्क्यूरेशन स्टेप इज रिडक्शन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी होता है। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा जिसको अपन मर्क्यूरेशन स्टेप कहते हैं, और सेकंड स्टेप में रिडक्शन होता है जिसको अपन डीमर्क्यूरेशन स्टेप कहते हैं।
Next is hydroboration. So, an addition of water. An addition of water. According to Marginal. So an addition of water according to the market, anti-market. So hydroboration. पहले अपन इसको रिएक्ट करेंगे B2SO6। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें बोरोन के पास BH बॉन्ड हो। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन इज सॉल्वेंट, नॉनपोलर सॉल्वेंट, ये भी नॉनपोलर सॉल्वेंट है, ये भी नॉनपोलर सॉल्वेंट। कभी भी अगर कोई लुईस एसिड होगा तो अपन उसे नॉनपोलर सॉल्वेंट में ही रखते हैं, द लुईस एसिड्स। तो अपन इसे नॉनपोलर सॉल्वेंट में, so we get that CH3 CH either H or either CH2 BH. We'll get this. उसके बाद अपने से रिएक्ट करते हैं H2O2 के साथ in presence of base. आप NaOH भी लिख सकते हो, KH भी लिख सकते हो. So we get like this. जहां पर BH2 attached होगा वहीं पे हो जाएगा, दैट इज ऑल द प्रोडक्ट। इसमें भी अल्कोहल बनेगा, इसमें भी अल्कोहल, इसमें भी अल्कोहल। इस केस में जिसमें ज्यादा कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा उधर हो जाएगा, और इस केस में जिधर जो डबल बॉन्ड होल्ड करेंगे कार्बन्स, एल्कीन्स, जिस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उस पे ओएच ऐड होगा। तो पर ऐसे लिखो, इन केस ऑफ ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन, डीमर्करेशन polar effects are more dominant. The polar effect is more dominant. इस केस में oxymercuration, demercuration में polar effects are more dominant. लेकिन हाइड्रोबोरेशन में स्टेरिक हिंड्रेंस जिस पे कम होगा उस पे OH का एडिशन होता है, मतलब स्टेरिक इफेक्ट्स आर मोर डोमिनेंट इन केस ऑफ हाइड्रोबोरेशन, इनसे दैट स्टेरिक इफेक्ट्स आर मोर। बट in case of hydroboration, steric effects are more dominant. We can write this. अगर अपने पास एक एग्जांपल ले लेते हैं और अपने पास ऐसे क्वेश्चन, इधर इसको अगर अपन एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी लाइक दिस। इधर कार्बोकैटायन बनाएंगे, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएंगे, उसके बाद फिर वो जाएगा।
अगर इसकी जगह ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन है तो वाटर से रिएक्ट करेंगे फिर इन्हें बीच में से तो फिर अपन प्रोडक्ट ऐसे बना। जब ये रिएक्शन किया था तो अपन ने कार्बोकेटन यहां बनाया था, रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जहां आप कार्बोकेटन ज्यादा स्टेबल बना सकते हो वहां OH का एडिशन है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन का एडिशन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी क्योंकि एंटी एडिशन होता है और एक अपन हाइड्रोपोरेशन लिख सकते हैं B2H6NTHF और सेकंड वी कैन राइट दैट H2O2 एंड NH। तो इस केस में सिन एडिशन, लेकिन इस केस में इस कार्बन पे इसकी वजह से ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस दिख रहा है, इधर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो आप OH वहां ऐड करोगे जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। OH अपन वहां ऐड करेंगे जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। आप या तो ऐसे बना सकते हो या फिर ऐसे बना सकते हो, एक ही बात है, करना आपको सिन एडिशन। तो विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस, अपन को ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जितना भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अपन ने पढ़ा, जिस स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा वो रेडियोटॉमिक स्टेप, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन लिख सकते हैं। एग्जांपल लिखें तो अपन बता सकते हैं कि भाई देखो जिसमें कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा उसका रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू उससे जिसमें कार्बोकैटायन कम स्टेबल बनेगा, उसका रेट ज्यादा होगा जिसमें और कम स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उसका रेट ज्यादा होगा जिसमें और कम स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इसलिए उसका रेट भी कम होता है, लाइक दैट। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बो, इसमें दोनों तरफ 3 डिग्री बन सकता है, इसमें एक ही तरफ 3 डिग्री बन सकता है, तो अगर दोनों में 3 डिग्री बन रहा है तो आप प्रोबेबिलिटी भी चेक कर लो, इधर दोनों तरफ 3 डिग्री बन रहा है इधर एक ही तरफ 3 डिग्री बन रहा है इसलिए इसका रेट मैंने ज्यादा बताया। अगर दोनों तरफ 3 डिग्री बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ये भी 3 डिग्री, अब इधर भी 3 डिग्री इधर भी 3 डिग्री है लेकिन इधर 2 डिग्री बन सकता है इधर 1 डिग्री बनेगा इसलिए इसका रेट ज्यादा है। इसमें दोनों तरफ 2 डिग्री बनेगा इसमें भी दोनों तरफ 2 डिग्री बनेगा लेकिन ये सिज है तो कम स्टेबल ज्यादा रिएक्टिव होगा और ज्यादा स्टेबल कम रिएक्टिव होगा। समटाइम इट मे बी पॉसिबल कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू कि अगर उसमें कोई ग्रुप प्रेजेंट है, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द डबल बॉन्ड विल बी लेस, इधर ही इलेक्ट्रॉन दे जैसे अपन लिखें। अगर मेरे पास ऐसे भी बने तो इसका रेट ज्यादा ही होगा इस, क्योंकि इसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा लेकिन इसमें जो कार्बोकैटायन बनेगा ना उसमें अपडेट कंप्लीशन हो सकता है
इसमें अपडेट कंप्लीशन हो सकता है। इसमें अपडेट कंप्लीशन हो सकता है, इसलिए उसका रेट ज्यादा होगा। रेट तो इन रिएक्शंस में आप इस पार्ट का भी ध्यान रखना कि मतलब किस में रेट ज्यादा होगा और किस में रेट कम है। वो रेट ऑफ रिएक्शन का कुछ है। अब एक अपन पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे अपन एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। Allylic substitution and the benzylic substitution. So, next page पे चलते हैं। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन्स। एक तो एलाइलिक पोजीशन पता होना चाहिए, दूसरा बेंजाइलिक पोजीशन। वी नो दैट एलाइलिक पोजीशन जो कार्बन डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं उनसे जो कार्बन एटम अटैच्ड होते हैं दे आर कॉल्ड एलाइलिक। और बेंजाइलिक जो बेंजीन रिंग से वेरी फर्स्ट कार्बन अटैच्ड होता है लेकिन वो sp3 होना चाहिए। बेंजीन रिंग से जो वेरी फर्स्ट कार्बन अटैच्ड होता है वो बन जाता है। वो sp3 होना चाहिए। सो एलाइलिक एंड बेंजाइलिक allylic substitution and the benzylic substitution. So allylic substitution or benzylic substitution what we have tried to do is agar apne paas koi example given hai to mere paas CH3 CH double bond CH2 given hai isko Cl2 se react karunga in presence of तो मैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कर लूं। विल गेट एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इफ यू राइट लाइक दिस एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें Br2 भी ले सकता हूँ, Cl2 भी ले सकता हूँ, डजंट मैटर। Br2 लिख लेता हूँ। टेम्परेचर अपन ये भी अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हाई टेम्परेचर होता है तो भी एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। और कुछ रिएजेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन ही करते हैं, जैसे मान लो अपन को ऐसे
और इसको मैं NBS से रिएक्ट करता हूं, N bromosuccinoamide, bromosuccinoamide. अगर इस टाइप के रिएजेंट अपन को गिवन है तो ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ही करते हैं इधर या इधर, बट एक स्टेप में एक ही बार होता है. इसको फिर NBS से रिएक्ट करोगे तो मैं यहां फिर भी आ रही, मतलब एक बार में एक ही तरफ होगा. फिर NBS से रिएक्ट करोगे तो इधर लिखूंगा या इधर लिखूंगा, दोनों में से कहीं भी लिख सकता हूं. इट इज एनब्रोमोसक्सर. Enbromosuccinoamide gives low concentration of BR. Gives low concentration of BR. It follows free radical mechanism. Light ke presence mein to free radical mechanism ka hota hai. Radical. So in this case, VFCl2, इसको light के presence में react करूँगा तो we'll get Cl radical and Cl radical. Cl radical को अपन react करेंगे with this. तो इसमें सीएल रेडिकल जो होगा अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा तो इस पर अटैक करेगा और लो कॉन्सेंट्रेशन होगा तो ये बनाएगा, क्योंकि वी हैव टू ऑप्शंस, या तो मैं सब्स्टिट्यूशन करूं तो इधर रेडिकल ऐसे बना दू या फिर मैं ऐसे बना, ये एलाइलिक रेडिकल है, ये 2 डिग्री रेडिकल, ये एलाइलिक रेडिकल. एलाइलिक रेडिकल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. इट्स रेजोनेंस स्टेबल, ये हाइपर कंजुगेटेड स्टेबल. ये हाइपर कंजुगेटेड इधर सीएल रेडिकल, ये भी बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, ये भी कर सकता है, बट एलाइलिक रेडिकल इज मोर स्टेबल. एलाइलिक रेडिकल इज मोर स्टेबल. तो अगर इसका लो कॉन्सेंट्रेशन होगा तो ये ज्यादा सिलेक्टिव होगा, मतलब वो बनाएगा जो ज्यादा स्टेबल होगा, और हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा तो एडिशन शो करेगा. एट लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेडिकल it forms more stable radical of aryl compound. But at high concentration, of X radical, it shows addition. ये पार्ट तो अगर लो कॉन्सेंट्रेशन होगा तो एलाइलिक रेडिकल बनेगा और फिर एराइलिक रेडिकल विल रिएक्ट विथ सीएल टू टू फॉर्म सीएल, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ चेन रिएक्शन. इसमें से एक सीएल इससे भी फिर जाएगा, सो वी गेट एराइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ दूसरा रेडिकल फिर बन गया, तो फिर इससे रेडिकल बनाएगा और फिर रिएक्शन करेगा, वो चेन रिएक्शन. व्हाट वी कैन राइट इज
let's see here, sorry. इसमें अपन ने एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी देखा और एडिशन रिएक्शन देखा. अभी अपन क्या करेंगे, सपोज वी आर गिवन लाइक दिस, इसको मैंने रिएक्ट करवाया Cl2 in CC. I'll get the product. इसको मैंने रिएक्ट करवाया Cl2 in something, yes Cl2 in 450 degrees, या फिर Cl2 in peroxides. ये सब रेडिकल मैकेनिज्म है. I'll get a level. We'll get the in allylic or benzylic substitution and benzylic substitution. In allylic or benzylic substitution. In allylic or benzylic substitution, the radical is in conjugation. The radical formed in conjugation. The radical is in conjugation. So, एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो मेरे पास ऐसे है, और इसको मैं Cl2 और रेडिकल के साथ रिएक्ट करूंगा. मुझे एक पता है कि इसका रेडिकल बनेगा ऐसे. ये रेडिकल कॉन्जुगेशन में है, सो इट विल बी इन कॉन्जुगेशन. ये मोर स्टेबल रेडिकल है क्योंकि 2 डिग्री है, ये लेस स्टेबल. लेस स्टेबल होगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए मैं मेजर प्रोडक्ट इसी से बनाऊंगा. ये Cl2 से रिएक्ट करेगा, so CH3Cl, CH double bond CH3 बनाएगा. this is major product. इसका minor product इससे बनेगा, CH2 double bond CH, क्योंकि ये ज़्यादा stable है तो reactive कम. so this is a minor product. अगर मेरे पास ऐसे कुछ यहां से भी रेडिकल बन सकता है, यहां से भी रेडिकल बन सकता है. मैं इसको Cl2 और HNO से रिएक्ट करवा रहा हूं, तो रेडिकल यहां से 3 डिग्री बनेगा, यहां से 2 डिग्री. रेडिकल तो मैं ज्यादा स्टेबल बना, रेडिकल तो मैं ज्यादा ही स्टेबल बना. उसके बाद कॉन्जुगेशन शो, उसके बाद मैंने कॉन्जुगेशन शो करके इधर रेडिकल, ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल. तो प्रोडक्ट तो मैं इससे यहां पर से ले लेता,
जो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा इसमें, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, that is the product of the reaction. That would be the product of reaction. तो हमेशा अपन क्या करेंगे, अगर कंजुगेशन में है रेडिकल, इधर भी कॉन्जुगेशन में था लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा ना, इधर आप ऐसे रेडिकल बनाओगे तो फर्क क्या पड़ेगा, इधर रेडिकल लिखो या इधर लिखो क्या फर्क पड़ेगा, अगर कॉन्जुगेशन में है तो आप पहले ज्यादा स्टेबल बनाओ उसके बाद फिर आप कॉन्जुगेशन करो, जो रेडिकल कम स्टेबल होगा उससे प्रोडक्ट बना, that is how we get the product. फिर आप product को वैसे electrophilic addition in alkenes. अब जैसे अपन ने एल्काइन्स में पढ़ा वैसे एल्कीन्स में पढ़ा, फिलिक एडिशन इन एल्कीन्स, तो एल्काइन्स में अपन हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन, HOX का एडिशन, X2 का एडिशन, एलाइलिक और बेंजाइलिक होता नहीं है उसमें, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जनरली होता है। अब एल्काइन्स में एडिशन रिएक्शन थोड़ा ज्यादा इजी है बिकॉज उसमें दो डबल बॉन्ड्स होंगे तो एडिशन भी बड़ा इजी होता है, ट्रिपल बॉन्ड, वाटर का एडिशन भी है वो लिखेंगे। अब अगर अपन को हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करना है तो दो बार ऐड करना है, एक बार H प्लस आयन इस पर अटैक करेगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाया, उसके बाद हैलोजन ऐड करेगा, तो वी गेट दिस, फिर एक बार और एडिशन कर लो, और एडिशन करूंगा तो इस पर कार्बोकैटायन बनाऊंगा क्योंकि वहां रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा इस लोन पेयर की वजह से, और फिर एक और हेलोजन ऐड करें, तो वी गेट जर्मिनल डाइहैलाइड्स, जर्मिनल डाइहैलाइड्स वो बच, तो सभी एडिशन रिएक्शन ऐसे ही करने हैं ट्रिपल बॉन्ड पे, जिसपे एक हेलोजन ऐड होगा उसी पे दूसरा हेलोजन भी ऐड होगा, because वो resonance stabilized होता है carbon atom, so we get always the general dihalides. अगर अपन halogen का addition करेंगे, हेलोजन का एडिशन करेंगे तो वो तो और भी ज्यादा इजी है, क्योंकि दो बार हेलोजन का एडिशन करना है तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक्स टू है, एक बार एंटी एडिशन करो एक डबल बॉन्ड पे, और एक बार और एंटी एडिशन कर दो एक और डबल बॉन्ड पे, तो टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव बनेगा आपके पास,
अब टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव में अब कौन सा कैसे ऐड किया, एंटी एडिशन कैसे बताना है, तो टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव बनेंगे। अब कैसे भी ऐड कर दो, अपन को दो हैलोजन ऐड करना है। डेरिवेटिव ये बनेगा, इसलिए इसमें दो हैलोजन को ऐड करना है, वेरिएबल टू राइट है, चार हैलोजन ऐड हो गए। हैलोहाइड्रिन रिएक्शन की बात करूंगा तो एडिशन तो वैसे ही होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, HOH, X पे नेगेटिव चार्ज होगा, X पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे नेगेटिव चार्ज, तो इसको पहले अटैक करेंगे, कार्बोकैटायन बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे इसमें किया, ये एच प्लस एन ये अटैक किया तो पॉजिटिव चार्ज इधर बना लेता और इसको फिर OH को ऐड कर दूंगा इसमें। so, अब एक और डबल बॉन्ड है तो एक और बार एडिशन करूंगा, फिर एक्स पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर डबल बॉन्ड पे अटैक करो। अब रेजोनेंस स्टेबलाइज तो दोनों में ही है, लेकिन इसमें 2p2p ओवरलैपिंग होगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2p है और अगर हेलोजन में HOCl, HOBr, HOI होता है तो अपन कहेंगे Cl अगर होगा तो 2p3p ओवरलैपिंग होगा, तो ओवरलैपिंग की वजह से ये 2p2p ओवरलैपिंग है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहीं बनेगा। फिर उसके बाद इसमें OH ऐड कर लूंगा, तो व्हाट आई गॉट इज, लेकिन इसमें एक ही कार्बन एटम के पास दोनों OH आ रहे हैं। अगर एक ही कार्बन एटम के पास दो OH आते हैं तो वाटर लिमिनेट कर, वाटर लिमिनेट करेगा तो विल गेट दैट कीटोन्स बन जा सकते हैं, विल गेट द कीटोन्स। कीटोन्स डाइहैलाइड्स इधर, इसलिए पॉजिटिव चार्ज बनाया बिकॉज ऑफ 2p2p ओवरलैप। पन्ने 2p2p ओवरलैपिंग की वजह से बना, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4, ये कॉम्बिनेशन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ वाटर के एडिशन के लिए होता है इन एल्काइन्स अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल होता है। सो ये कॉम्बिनेशन अगर कभी हमें गिवन है तो हमें पहले से पता होता है कि वाटर का एडिशन कर रहे हो आप एल्काइन्स में। तो अगर आपने ऐसे लिखा HgSO4 और H2SO4 किसी रिएक्शन में अगर ऐसे लिखा हुआ मिला अपन को तो हमें पक्का पता है ये एल्काइन है और कहीं ये यूज हो ही नहीं सकता, ये पहले से पता है कि आप एल्काइन है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। आप DU कैलकुलेट कर लो, 2 डिग्री से ज्यादा होगा और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल वी नो दैट व्हाट वी हैव टू डू। आप ऐसे लिख लो इसमें OH ये अच्छा टॉटोमराइज कर दो, विल गेट द प्रोडक्ट। कीटोन बन गया, ये प्रोपाइन है तो कीटोन बनेगा, लेकिन अगर इथाइन होता तो ये भी हाइड्रोजन होता तो एल्डिहाइड बना देता, अगर इथाइन होता सिर्फ इथाइन से ही
एल्डिहाइड बनेगा, बाकी सारे के सारे एल्काइन कीटोन्स ही बनेगा। बाकी सारे एल्काइन्स कीटोन्स ही बनेगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है एल्काइन्स में। ये रिएक्शन है एल्काइन्स के, बस इतना ही रिएक्शन होगा। अब अपन एल्काडाइन्स पढ़ लेते हैं। अगर डाइन्स है तो उनमें कैसे एडिशन रिएक्शन होगा वो देखते हैं। अगर अपन को डाइन्स के बने तो डाइन्स में एडिशन रिएक्शन कैसे होता है वो देखें। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एल्काडाइन्स पढ़ते हैं। एल्काडाइन्स में विल हैव डाइन्स, डाइन्स मतलब ऐसे एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अल्लाह अपने पास ऐसे और इसमें HBr पे एडिशन H+ इनको पर टैप करो यू विल गेट। इधर लिखो या इधर लिखो एक ही बात है, सिमेट्रिकली लिखते हैं। ये कंजुगेशन में जब भी कोई रेडिकल या कार्बोकैटायन कंजुगेशन में हो तो आप कंजुगेशन करो मोर स्टेबल। Less stable, more reactive. तो प्रोडक्ट उससे बनाओगे जिसकी स्टेबिलिटी कम। दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट, इससे माइनर प्रोडक्ट। अगर अपन को ऐसे करें अगर अपन को ऐसे डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें अगर HBr या HCl का एडिशन करना है या HBr कोई भी एडिशन, तो H+ है ना, अपन इस पे ही अटैक करेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री बनेगा। अपन को कार्बोकैटायन पहले 3 डिग्री बनाना चाहिए।
लेकिन अगर कॉन्जुगेशन में है कार्बोकैटायन जो आपने बनाया तो आप कॉन्जुगेशन करो, ये लेस स्टेबल है प्रोडक्ट इसी से बना। तो मैं प्रोडक्ट ऐसे इज द प्रोडक्ट कभी कभी अपन ऐसे भी हो सकते हैं, इज आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगर मेरे पास ऐसे की We'll get the cyclic bromine. We'll get the cyclic bromine. अब अपने पास Br negative भी होगा, एक Br तो ऐड हो गया, दूसरा Br negative होगा। Br negative इधर भी अटैक कर सकता है, Br negative इधर भी अटैक कर सकता है। अगर Br negative इधर अटैक करे तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, मतलब वी कैन हैव टू पॉसिबिलिटीज, एक ए पॉसिबिलिटी है एक बी पॉसिबिलिटी है। मेरे पास ए पॉसिबिलिटी ऐसे है, दिस इज ए, और मेरे पास बी पॉसिबिलिटी ऐसे है, मेरे पास ये बी पॉसिबिलिटी। तो फिर इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला, तो फिर ये मेजर होगा, ये माइनर। अगर कहीं कॉन्जुगेशन पॉसिबल है तो आप इसको इस पे अटैक करके ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करके ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करके, दैट इज अ गुड प्रोडक्ट। That is how the product is. कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, मतलब अपन देखो, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान रखना है। मैं ये सोच के बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि मैंने कंसेप्ट ऐसा कोई भी नहीं छोड़ रहा मैं जो कंसेप्ट आपको नहीं बताया। मान लो मुझे कभी कभी ऐसे भी, और मुझसे कहा गया कि इसमें Cl2 ऐड करो, ऐड CCl2, तो मैं ऐसे ऐड करूंगा, सिमेट्रिकल है तो क्लोरीनियम आयन बना, जो दूसरा Cl नेगेटिव है ना, इससे मैं इधर अटैक करूंगा, ऐसे बना, ये प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली बात है, इस सीएल को इधर अटैक करना तो स्टेरिक एंट्रेंस फेस करना पड़ेगा ना, इधर थोड़ी कोई स्टेरिक एंट्रेंस फेस करना, जबकि ये ब्रेक करके ये कार्बोकैटायन जो बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो इधर पोलर इफेक्ट की वजह से इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। अपन ऐसे प्रोडक्ट लिख सकते हैं, दिस इज अल्केडाइन, फिर अपन को अगर मान लो ऐसे भी, मतलब दूसरे रिएक्शंस में अगर अपने पास ऐसे भी, कभी कभी अपन को ऐसे लिखेंगे भाई, रेडिकल मैकेनिज्म है CH2 CH डबल बॉन्ड CH ऐसे, अपन इसमें Cl2 in presence of sunlight करता है, अपन को पता है रेडिकल, कंजुगेशन बना, दिस लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल,
लिस्टेबल, जो लिस्टेबल होगा वो ज्यादा रिएक्टिव, सो मोर रिएक्टिव, तो अपन प्रोडक्ट ऐसे बनाए। That is the product. This is about the ORM. ORM 2. ये आपके concept है ORM. ORM 3 में विल हैव न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन, SN1, SN2, E1, E2 रिएक्शंस। ORM 3 में विल हैव SN1, SN2, E1, E2 रिएक्शंस। पेट्रोल की जब आप SN1, SN2, E1, E2 रिएक्शंस आप एक बार पढ़ के आना, अगर आप पढ़ के आओगे तो आपके दिमाग में डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे थ्योरी पार्ट। ठीक है, तो आज SN1, SN2, even E2 reaction एक बार revise कर लेना। ये आपका SN, अब अपना ORM2 भी खत्म हो गया, ORM2 खत्म हो गया तो homework हो गया। अब आप ORM1, 2 दोनों आपका homework है। और आयनिक भी homework हो गया। ORM 3 और 4, अगर नेक्स्ट टाइम अपन को 3.5 आवर क्लास के मिला तो अपना ORM 3, 4 दोनों खत्म हो जाएंगे। क्योंकि दोनों मतलब SN1, SN2, even E2 reactions हैं, उसमें डायरेक्टली मुझे बताना है आपको क्या करना है, बस दैट्स ऑल। तो आपका 3 और 4 दोनों ही खत्म हो जाएगा। तो this is about ORM2. सर बोलो। सर आप रिकॉर्डिंग आज अपलोड कर दो। ठीक है, कर दे, अभी कर दे। सॉरी सर, अभी कर देता हूं क्लास के बाद। थैंक यू सर। सर SN1, SN2 और E1, E2 करना है ना? हाँ, वो मतलब थोड़ा पढ़ के आना, क्योंकि उसमें ये होगा आपके दिमाग में क्वेश्चंस चलेंगे ना कि कैसे रिएक्शन करना होता है, तो मैं आपको आपको सारे आंसर्स मिलते रहेंगे। ओके सर, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे।